हेलो कोमल, हाय, कैसे हो? हेलो आयुषी, कैसे हो? हेलो मानसी, गुड इवनिंग, कैसे हो? सब लोगों ने डिनर कर लिया होगा मे बी। हेलो निशा दी, आज का टाइमिंग लेट था क्या? नहीं, आज वैसे मैं 8:30 पर ही लाइव आती हूँ, बट आज हमारे हॉस्टल में पूरा पानी का मोटर फूक गई है, तो इस वजह से पूरा शेड्यूल लेट हो गया। कपड़े धोने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए मुझे लेट आना पड़ा। हेलो कांशा, हाय स्नेहा, हेलो स्नेहा, हेलो हेलो हेलो। तो आज मैंने फिर से यूनिवर्सिटी में बात की है और उनका कहना यही है कि अगर सेकंड राउंड कंडक्ट होता है तो उन सब में उनमें से 50 से कम नंबर वालों को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। तो डोंट वरी, बस फर्स्ट राउंड ख़त्म होने का वेट करिए। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड ख़त्म होगा तो शायद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, और जिनके भी 50 से कम नंबर है प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, उनकी उनकी काउंसलिंग होगी सेकेंड राउंड पे, ठीक है? हेलो मानसी, और आज मैंने प्राइवेट कॉलेज डाल दिए हैं आप लोगों के लिए। पक्का है कि 50 से कम की काउंसलिंग होगी? कोमल आ रही है, पक्का नहीं बोल सकती हूँ, बट एक बार फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आने दीजिए। जितनी ज़्यादा सीट्स वेकेंट रहेंगी, खाली रहेंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा काउंसलिंग करवाने का, उन सीटों को फिलअप करने का। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने का वेट करिए। जैसे ही रिजल्ट आता है आप सब लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। हेलो प्रियंका, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज तो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस भी डाल दिए हैं, BSc नर्सिंग के, ANM के, GNM के, पैरामेडिकल के। आप इजीली पैरामेडिकल कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, और सारे टॉप लेवल के हैं। नहीं कविता, आप नहीं कर सकते हो, आप कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने का नहीं आ रहा है ऑप्शन, पहले से ही जो सर्टिफिकेट अपलोड हो रखे हैं वही दिखा रहा है जी। पौड़ी गढ़वाल का नर्सिंग कॉलेज कैसा है? प्रिया हिल एरिया के सभी नर्सिंग कॉलेज सेम होते हैं, कोई फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिली जितनी आपको सिटीज़ में मिलती है। हाँ, अगर काउंसलिंग होगी तो नैन्सी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको कॉलेज मिल जाए, डोंट वरी। उसके एक दो दिन बाद ही, उसके अगर सेकंड राउंड होना होने वाला होगा तो फर्स्ट राउंड,